गोरखपुर के बेलीपार थाना पुलिस टीम को अहम कामयाबी हाथ लगी। बेलीपार पुलिस ने सनसनीखेज लूट कांड का खुलासा करते हुए सरगना समेत तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने प्रेस वार्ता के दौरान लूट कांड का खुलासा करते हुए बताया कि 24 दिसंबर को बदमाशों ने लूट कांड के घटना को अंजाम दिया था। क्राइम ब्रांच और बेलीपार पुलिस की संयुक्त टीम ने सरगना समेत तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से प्रतिबंध बोर की पिस्टल, कारतूस समेत बाइक और लूटी गई है। 3,65,000 रुपए नकदी बरामद किया गया है। साथ ही बदमाशों के पास से लूटी गई विदेशी करेंसी भी बरामद की गई है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सनसनीखेज लूट कांड के शानदार गुडवर्क पर पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इस दौरान एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह, एसपी साउथ जितेंद्र कुमार, सीओ बांसगांव अनुराग सिंह सहित गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम मौजूद रही। वो कोई व्यापारी या उस तरह का व्यक्ति नहीं था, एक सामान्य व्यक्ति थे। इतने बड़ा अमाउंट कहाँ से आया? इनिशियली जो हमारा वादी है जिसके साथ घटना हुई है, डर के कारण से या किन्हीं और कारणों से वो घटना में सारी चीजें सही से नहीं बता पा रहा था, तो जो जो वो बता रहा था उस चीज को वेरीफाई पुलिस के द्वारा किया गया। कुछ सूचनाएं उसमें ठीक नहीं मिली, फिर काफी उसको कॉन्फिडेंस दिया गया कि जो घटना आपके साथ हुई है आप बिल्कुल सही सही उस चीज को बताइए। कारण यह है कि जब आप घटना का विवरण देंगे उसी के अनुसार हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी देते हैं जो गलत होती है तो उसमें पुलिस का टाइम भी वेस्ट होगा और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है किसी और दिशा में भी जा सकती है। तो काफी कॉन्फिडेंस देने के बाद और काफी समय बीतने के बाद फिर इसके द्वारा बताया गया कि नहीं, एक पर्टिकुलर जगह से मेरे द्वारा ये पैसा जो है वहां से दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए 24 दिसंबर को वर्ष 2023 में एक सूचना शाम के समय पर 8:30-9 बजे के बीच में प्राप्त हुई थी कि बागागाड़ा पुल क्रॉस करने के बाद थाना बेलीपार क्षेत्र में एक 12 लाख रुपए की लूट की घटना हुई है। एक सुजीत यादव नाम के व्यक्ति जो कि कैश लेकर के अपने गाँव की तरफ जा रहे थे, मोटरसाइकिल सवार लोगों द्वारा उनको रोका गया और बलपूर्वक उनसे उनका बैग छीन लिया गया जिसमें कि 12 लाख रुपए कैश थे। घटना स्थल का तुरंत जो है मुआयना थाने की टीम एसपी साउथ साहब और मेरे द्वारा स्वयं किया गया। इसमें एसओजी और स्वाट और सर्विलांस की टीम को तत्काल लगाया गया। जो वादी है उससे गहन पूछताछ में उसके द्वारा जो चीज़ें बताई गई और कहाँ से वो कैश लेकर के चला था, बीच में कहां कहां पर उसके द्वारा रुक करके क्या क्या गतिविधियां की गई। एक शिवम नाम का लड़का जिसको जो कैश लेकर के चला था उसमें से 3.5 लाख के आसपास उसके द्वारा कैश उसको दिया गया और फिर उसके बाद उसके साथ घटना हुई। इसमें जो रूट का जब भ्रमण किया गया, रूट के बारे में जानकारी की गई, तो कहीं ना कहीं जो शिवम है उसके ऊपर शक हुआ। वादी द्वारा भी इस चीज़ को प्रमाणित किया गया। उसकी जब उस दिन की गतिविधियां और सर्विलांस के माध्यम से उसकी एक्टिविटीज को चेक किया गया तो समझ आया कि शिवम द्वारा ही संभवतः इस घटना की सूचना अपराधियों को दी गई है। उससे जब पूछताछ हुई तो उसके द्वारा इस घटना के बारे में विवरण दिया गया। इसमें टोटल जो घटना करने वाले 6 लोग थे और प्लस 7वां जो शिवम है जिसके द्वारा इसकी टिप ऑफ दी गई है। इसमें से शिवम प्लस 2 लुटेरों को अरेस्ट किया गया है। घटना में लूटे गए 3,65,000 इंडियन करेंसी को बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त जो वादी द्वारा बाद में बताया गया उस बैग में 100 डॉलर के 40 नोट यानी कि $4,000 उसमें थे प्लस 100 यूरो थे, उसको भी लुटेरों के कब्जे से बरामद कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो एक मोटरसाइकिल उसमें यूज हुई थी और जो वेपन यूज हुआ था क्योंकि वेपन सटा के ही डरा कर ही उसे लूट की गई थी वो भी रिकवर हुआ है। बाकी जो और पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वादी की वो रिकवर हुई हैं। इसमें बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थानीय थाना पुलिस का और हमारी एसओजी स्वाट टीम का और सर्विलांस टीम का रहा है और इसी के चलते बहुत ही कम समय में इस बहुत महत्वपूर्ण घटना का खुलासा हुआ है। एसपी साउथ साहब और एसपी क्राइम मैडम के नेतृत्व में पूरी टीमों ने काम किया है। इस अच्छे काम के लिए इन सभी टीमों को 25,000 रुपये का नगर पुरस्कार घोषित किया जाएगा। जो जो हमारा वादी है उसके द्वारा बताया गया कि उसके बैग में पहले से ही वो विदेशी करेंसी थी।